तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, स्मार्ट मदरबोर्ड है, मॉडल नंबर देख लीजिए, KKRV22819 है। देखिए, रिमोट के साथ आपको दिखाने का ये मतलब है कि अगर आप कोई भी न्यू एलईडी में लगा रहे हैं तो फिर इस क्या प्रोसेस से कैसे लगेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको रेजुलेशन कोड, फैक्ट्री कोड, उल्टा पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर, हर एक चीज हम आपको दिखाएंगे। फिर पावर कैसे डायरेक्ट करें, यह सब चीज मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक चीज करके हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से करने के बाद क्या चीज का प्रॉब्लम है। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसे ही गलती करते हैं, जैसे ही लाइन में दिया उसके बाद रेजुलेशन चेंज करने लगता है। देखिए, हम रेजुलेशन चेंज करेंगे, ये चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये पूर्ण रूप से अभी ऑन नहीं हुआ है, स्मार्ट है, इसमें टाइम लगता है, 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम लगता है। बैकलाइट इसका ओके है, सब चीज़ ओके है। ये जो रेड कलर का बत्ती है, ये जब स्टैंड बाई में रहता है तो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो उल्टा फुलटा हुआ होगा, इस कारण से ऐसा है। लेकिन बैकलाइट जल रहा है एकदम, हर चीज़ है, अब काम करने लगा। अब चलिए, अब दाबते हैं। देखिए, सोर्स 0 5 5 6 2। अब देखिए, ये थोड़ा देर वेट करिए और देखिए ग्रीन हो गया, यानी अब जब ग्रीन से रेड होगा फिर होगा। देखिए, हो गया, एंड्रॉयड लिख के आ रहा है। देखिए, आप लाइन दीजिए, फिर उसको तुरंत रेजुलेशन चेंज करिएगा। ये स्मार्ट बोर्ड में ऐसे नहीं होता है, आपको कुछ देर वेट करने के बाद आपको रेजुलेशन कोड डालना पड़ेगा, फिर आपका सेट रेजुलेशन चेंज होगा। और रेजुलेशन चेंज होने के बाद इस प्रकार से आएगा। ये रेजुलेशन चेंज होने के बाद देखिए इसमें क्या आ रहा है और इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे। रिमोट के द्वारा ही देखिए नेगेटिव पिक्चर आ गया और उल्टा भी है। देखिए, चलिए इसका फैक्ट्री कोड खोलते हैं। देखिए, फैक्ट्री कोड खोलने का है कि इनपुट मतलब सोर्स इनपुट जो, उसके बाद चलिए इसको ये भी मैं कर देते हैं, इसे कोई नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये भी मैं कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे, ये ब्लू स्क्रीन में दिखेगा तो अच्छा से समझ आएगा। चलिए, इनपुट 208 दबने के बाद देखिए, चलिए इसको अब हम लोग पहले तो इसका रेजुलेशन, हम लोग पैनल सेटिंग में जाएंगे। पैनल सेटिंग में जाने के बाद इसका पहले मिरर नॉर्मल करेंगे, जो जो जैसे नॉर्मल में दिखता है उस पर क्या करेंगे। चलिए, ये चेंज किए, फिर एक और स्टेप चेंज करें, फिर एक और स्टेप, हॉरिजेंटल वर्टिकल ये सब हो जाता है। चलिए, मैपिंग, ये आपका मिरर हो गया। अब चलिए इसका मैपिंग हटाते हैं। देखिए, ये एलवीडीएस बिट है, सब लोग को पता है कि बिट में ही चेंज होता है, बिट का इसे देखिए। चलिए, 10 हो गया, नहीं होगा, चलिए तो इसको ऑफ करते हैं। 6 में देखिए, 6 में एकदम परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिट 6 आ गया। हर डिस्प्ले का, हर का बिट अलग अलग होता है। चलिए, अब इसको हम लोग डायरेक्ट स्टैंड बाई करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका पावर ऑन कर दीजिए, पावर ऑन दिख रहा है, देखिए पावर ऑन मोड को पावर ऑन कर दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, लाइन ऑफ किए और फिर लाइट दिए। चलिए, ओके हो गया, विदाउट रिमोट के ये आपका वर्क करने लगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, यही प्रोसेस होने के बाद वो कोई भी डिस्प्ले आए या ना आए, आपको लाइन देने के बाद 2 मिनट के बाद ही आपको रेजुलेशन चेंज करना है। पहले आप रेजुलेशन चेंज करते हैं तो फिर दिक्कत है। देखिए, अब इसको हम आपको वाईफाई से कनेक्ट करके दिखाते हैं जी, और यूट्यूब से चला के भी दिखाएंगे। देखिए, इसका साउंड आप देखिए कितना बवाल साउंड है। देखिए, इसका साउंड हम आपको वाईफाई सेटिंग में जाना है, वाईफाई सेटिंग को मैं और सोमी 11 लाइट को ओके कर देने के बाद, ये हॉटस्पॉट है मेरा फोन का, फिर इसको बैक हो जाए। चलिए, यूट्यूब में चलते हैं। यूट्यूब में चलिए, हम आपको यूट्यूब में चल के दिखाते हैं। इसका जो साउंड है ना, एकदम बवाल साउंड है, इतना लाउड आवाज है,
इस बोर्ड का जो मतलब साउंड के लिए तो एकदम परफेक्ट, एकदम लाउडली आवाज है इस बोर्ड में। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कितना इसमें साउंड है। चलिए कोई ये वाला कोई सॉन्ग ऑन करते हैं।